कप्तान को मुल्क मुखालिफ साबित करने की कोशिश। मुस्लिम लीग नून एक बार फिर ओछे हथकंडों पर उतर आई। स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल बहाल करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून की रिवायत रही है कि जब अपने मुखालफीन के खिलाफ सियासी महाज पर नाकाम होती है तो किरदार कशी पर उतर आती है। इस मरतबा नून लीग ने ऐसा ही कुछ इमरान खान के खिलाफ प्लान किया है ताकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की आवाम में शोहरत और मकबूलियत को मुतासिर किया जाए। लेकिन शहबाज शरीफ एंड कंपनी भूल चुकी है कि उन्हें नाकामी के सिवा कुछ हाथ नहीं आने वाला। जराए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने अपना स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल बहाल करने का फैसला किया है, जिसका पहला टास्क इमरान खान और तहरीक इंसाफ को रियासत मुखालिफ साबित करना है। जराए ने बताया कि सेल कप्तान को फौज मुखालिफ सियासतदान के तौर पर पेश करेगा और इस मकसद के हुसूल के लिए सेल के साथ साथ मीडिया के लोगों को खास तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जराए का मजीद कहना था कि इस सिलसिले में निजी शोबे से मीडिया कंसल्टेंट्स की खिदमात ली जाएंगी और मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि शहबाज गिल ने निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल की बहाली पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून सेल कायम करके घनावना खेल खेलने जा रही है और कप्तान के खिलाफ साजिश की जा रही है। उन्होंने खबरदार किया कि पीटीआई हुकूमत में आकर प्रोपेगेंडे के लिए कौमी खजाने से इस्तेमाल की गई एक एक पाई का हिसाब लेगी। इनका ये पुराना वतीरा है, ये कोई नया वतीरा तो नहीं है इनका। आपको याद होगा कि पहले भी मरियम सफदर ने ऐसे ही एक सेल बनाया था। ये जो गनौना खेल खेलने जा रहे हैं फहद हुसैन की निगरानी में, उनके सबसे पॉपुलर तरीन लीडर को लीडर के ऊपर हमला आवर होना, उसकी जमात पर हमला आवर होना, इसका मतलब है कि मुल्क की जो जो अक्सरियती राय है उसके ऊपर हमला आवर होना। वाकई ऐसा किया जा रहा है तो इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी तो फिर इस पर आर्टिकल 6 भी लगेंगे और इसकी तहकीक भी होगी और एक स्पाई का हिसाब दिया जाएगा जो प्रोपेगेंडे के ऊपर इस्तेमाल होगा। याद रहे नून लीग ने स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल 2015 में अपने दौरे हुकूमत में कायम किया था, जो माजी में मरियम नवाज की जेरे निगरानी काम करता था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।